Hello children, today let's start our English grammar for first class. Already we have finished our first chapter and here we just continuing our second chapter. So आज मैम आपको क्या पढ़ाएंगे, देखो हमारा एक्सरसाइज 5 तक हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज 5 तक हमारा हो गया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज 6 कैसे करना है. तो अभी देखो मैम रीडिंग कर देंगे. अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स. अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स. देखो मैम ने पहले आपको नेमिंग वर्ड्स सिखाया ना, नेमिंग वर्ड्स याद है क्या सबकी, नेमिंग वर्ड्स कैसे हमने सिखाया था. देखो नेमिंग वर्ड्स पर्सन्स प्लेस एनिमल थिंग. ओके सो हमने नेमिंग वर्ड्स सिखाया था, वो जो नेमिंग वर्ड्स क्या क्या था वो हमने इधर भी लर्न किया. नेम ऑफ प्लेसेस लर्न किया, नेम ऑफ एनिमल्स लर्न किया, नेम ऑफ थिंग्स लर्न किया. ओके सो ये पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब क्या है, ऐसे इतना ज़्यादा सेंटेंस हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सेंटेंस एंड वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है, ये तो पैराग्राफ बोलती है. ओके सो एक कुछ ना कुछ बारे में कुछ बोलती है और किसी के बारे में कुछ बोलती है, ये तो पैराग्राफ बोलती है हम इंग्लिश में. ओके ये कैसे रीडिंग करना है, पैराग्राफ्स. ओके सो देखो मैम अभी पैराग्राफ्स रीडिंग कर देंगे आपके लिए. माई मदर ब्रॉट अ डिलीशियस केक फ्रॉम अ बेकरी. She brought it for me. She kept it on my table. I had gone to school. A cat from the window came in. It ate all the cake. When I returned home, I became very sad. Mother gave me a chocolates to make me happy. देखो मैम बोल देंगे माई मदर, माई मदर मतलब क्या है, मेरा माँ. ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाना लेना, ठीक है. माई मम्मी मेरा के लिए केक लाया था, ए डिलीशियस केक मतलब इतना अच्छा टेस्ट थी. फ्रॉम बेकरी, कहाँ से केक लाया था, फ्रॉम बेकरी. She brought it for me. मेरा के लिए लाया था, ठीक है, मेरे लिए लाया था. She मतलब मम्मी को बोलती है, प्रोनाउन बोलती है, आप बाद में लर्न कर देंगे. She मतलब इधर हम मम्मी मदर को बोल देंगे. She kept it on my table. मम्मी ने कहाँ कहाँ रखा हुआ है, kept मतलब रखना, कहाँ भी डालना है और रखना बोलती है. टेबल, ऑन माई टेबल, मेरा टेबल के ऊपर रख दिया. आई हैड गोन टू स्कूल, मैं कहाँ गई थी, मैं स्कूल में थी. अ कैट फ्रॉम द विंडो केम इन, ए कैट बिल्ली फ्रॉम द विंडो, विंडो मतलब वो हमारा कमरे के अंदर विंडो होती है ना, विंडो जाली से अंदर आ गई. इट एट, एट मतलब खा लिया, एट मतलब खा लिया. इट एट ऑल द केक, मेरा पूरा केक उसने किसने खाया, कैट. व्हेन आई रिटर्न्ड होम आई बिकेम वेरी सैड, मैं घर पे वापस आए तब, रिटर्न्ड वापस आना, मैं तो इतना दुखी थी, क्यों, मेरा केक किसने खाया, बिल्ली खाया था. मदर गेव मी चॉकलेट्स टू मेक मी हैप्पी, तो मम्मी, मम्मी ने क्या किया, मेरा मम्मी ने मेरा को केक के बारे में क्या दिया, चॉकलेट्स दिया है. देखो ये पैराग्राफ से आपने नेमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है, नेमिंग वर्ड्स. ओके तो इधर नेमिंग वर्ड्स क्या क्या हो जाएगा, स्कूल की थिंग्स की नाम हो जाएगा और कोई भी किसी को नाम हो जाएगा और किसी एनिमल्स की नाम हो जाएगा और किसी प्लेस की नाम हो जाएगा, वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है. देखो नेम, माय मदर, पर्सन मतलब नेमिंग वर्ड हमने सिखाया ना, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ पर्सन्स हमने सिखाया. माय मदर, मदर इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन.
केक, ओके, बेकरी, बेकरी एक प्लेस, टेबल नेम ऑफ थिंग्स, स्कूल नेम ऑफ प्लेसेस, कैट नेम ऑफ एनिमल, होम, मदर, मदर ऑलरेडी हमने इधर दिया हुआ, चॉकलेट्स नेम ऑफ थिंग्स, ओके। ऐसे इसमें से आपने नेमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, सुक्रीत एंड मनप्रीत लिव इन ए हाउस नियर ए मैंगो ट्री। सुक्रीत एंड मनप्रीत, मनप्रीत मतलब दो लड़का का नाम है, वो दोनों दोस्त थी। वो उसका घर कहाँ थी, ए मैंगो ट्री के सामने थी। ए स्पैरो लिव्स ऑन दैट ट्री, स्पैरो छोटी सी स्पैरो होती है ना ट्री के ऊपर, ऐसे चाट के जल्दी जल्दी उठ के नीचे नीचे जाती है छोटी वाला, वो स्पैरो लीव्स ऑन द ट्री, स्पैरो भी वो ट्री के सामने रहती थी। चिल्ड्रन गिव फूड टू द स्पैरो, बच्चों स्पैरो को क्या देती थी, खाना देती थी। इट सिट्स ऑन द विंडो ऑफ देयर किचन टू ईट इट्स फूड, वो स्पैरो कहाँ बैठी थी, किचन की सामने वाला विंडो में बैठ के पूरा खाना खा रही थी। इसमें से भी आप नेमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना, ठीक है बच्चों। तो इधर देखो नेमिंग वर्ड्स दो पर्सन की नाम है, मैंगो ट्री थिंग्स की नाम है, एनिमल्स की नाम है इधर, एंड जगह प्लेस की नाम है, ओके। वो आपने फाइंड आउट करके लिखना है। तो मैम ने पहले भी आपको होमवर्क दिया हुआ था, ये तो सब आपने करना था। आपने किया है क्या, कोई भी मेरा को व्हाट्सएप में पिक्चर नहीं डाला, ओके। सब करके मेरा को पिक्चर डालना है एंड ये भी करके भेजना है मैम को सब कुछ, ठीक है। ये कुछ नहीं नोटबुक में नहीं करना है, ये नोटबुक में करना है, ठीक है बेटा। ये एक्सरसाइज 6 आपने नोटबुक में करना है, मैम करके आपको भेज देंगे, आपको देखे करना है।